हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं जी सब? ठीक है, बढ़िया। तो हाँ जी अक्सर क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं स्विफ्ट न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट वॉक अराउंड गगन चौधरी चैनल। ओके, पहले देखते हैं। और इंडिया में जो सुजुकी का नया मॉडल आ रहा है ना स्विफ्ट का, हाय 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 हाय, लेवल भाई लेवल। और माइलेज चेक कीजिएगा इसकी जरा, और मोशबा की तरह लेवल ही है, नेक्स्ट लेवल। प्राइस भी देखनी होगी, प्राइस भी बोरी देखने में शायद नहीं लग रही होगी, लेकिन ये फोर्थ नहीं लग रही होगी बोल रहा हूँ, लेकिन ये फोर्थ जनरेशन स्विफ्ट जो है वो आपके पास में, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा चेंज जो है वो इस बोनेट के नीचे है। उसकी बात करते हैं, बाकी सारी चीज़ों की बात करते हैं, कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी अच्छी नहीं लग रही है, हर एक चीज़ की हाथ लगा के बात करते हैं। चलो चाबी से शुरुआत करते हैं, और एज यूजुअल मारुति ने कोई चाबी बदली नहीं है। यहाँ पे एरिना के लिए ब्लू आ जाता है, और यहाँ पे टिपिकल वो लॉक अनलॉक आ जाता है, और दबाने पर वही टुई टुई वाली साउंड जो है वो आपको मिलती जाएगी। कोई भी बदलाव उसमें किसी तरीके का नहीं है, बट सबसे बड़ा बदलाव जो है वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, वरना कोई ना कोई बंद करके इसको चला जाएगा, वह तो कोई बीच में आना नहीं चाहिए। ये बदलाव है, 1200 सीसी का इंजन अभी भी है, बट अब एक सिलेंडर गायब हो चुका है। दैट डजंट मीन कि ये सेम इंजन है, ये नई सीरीज का जेड सीरीज का इंजन है, जो कि 3 सिलेंडर इंजन है। मारुति इनके साथ में हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड देती है, बाहर इंडिया में नहीं दिया गया, ना ही माइल्ड हाइब्रिड दिया गया है, बट ये इंजन जो है उसमें 8 PS की पावर, यानी कि लगभग 8 HP की पावर कम हुई है, और साथ ही में 1 Nm का टॉर्क कम हुआ है। मारुति का कहना है कि हमने इसको इस तरीके से ट्यून किया है कि लोअर एंड पे ज्यादा बेटर जो है टॉर्क वगैरह मिलेगा, और उस लोअर एंड के बेटर टॉर्क की वजह से आपको जो है ज़्यादा बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। पहले 23 के आसपास कहीं क्लेम करती थी मारुति, 25 क्लेम कर दिया भाई, सब रुकी नहीं थी मारुति फ्यूल एफिशिएंसी देने में। एंड दैट डजंट मीन कि इसका वेट वगैरह कुछ कम किया है, मारुति ने जो है इसका वजन 20 kg बढ़ाया है। जी हाँ, इंजन जो है उसमें टेक्निकली वजन कम होना चाहिए, क्योंकि वो एक सिलेंडर गायब हुआ है, उसमें से कुछ और जगह पर चीज़ें इधर उधर हुई है, बट फिर भी वजन जो है वो कम हो गया है। ऐसा कैसे हुआ है, चलने में कैसी है, ड्राइव वगैरह में, वो ड्राइव रिलेटेड बात करेंगे, फिलहाल फीचर्स पर फोकस करते हैं। चाबी मैंने आपको बताई दी थी, इसके अलावा यहाँ पर हेडलाइट जो है इसका डिज़ाइन चेंज किया गया है, आपके पास में LED आता है, लोअर ट्रिम में हेलोजन आएगा, यहाँ पे DRL आता है, फॉग लैम्प यहाँ पे बरकरार रखा गया विच इज LED, यहाँ पे आपके पास ग्रिल जो है वो थोड़ी सी चेंज की गई है, बहुत सारी चीज़ें। बाय द वे, एक चीज़ और, इस गाड़ी की प्राइस ऐसे देखने में बहुत भयंकर बड़ी है, मतलब 6.49 से स्टार्ट हो रही है, और टॉप एंड जो है बलेनो के बहुत नज़दीक जाता है। एक तरीके से ये भी लगता है कि बलेनो को लेने का सेंस है, बट इसकी प्राइस क्यों बड़ी है उसकी बात करते चले जाएंगे। लेकिन अभी अगर आप गाड़ी ले रहे हो एक आध महीने में, तुरंत जाके बलेनो ले लो, मैं आपको बता रहा हूँ उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा थोड़ा बहुत। ये नई है और इसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा लग रही है। एनीवे, यहाँ पे आपके पास ब्रिस्टोन इकोपिया टायर लगे हुए हैं, अच्छे टायर्स में गिने जाएंगे, लेकिन टायर साइज वही है, 185 सेक्शन ही रखा गया है, और टायर जो है वो आपके पास में 15 inches के है ही, कोई बदलाव उसमें नहीं किया गया। मारुति ने कॉस्ट कटिंग जैसी चीज़ नहीं की है, तो ये रिक्वेस्ट सेंसर जो है दूसरी तरफ दिया गया। बहुत कम कंपनीज है जो कि एक्चुअली ये चीज़ कर रही है कि रिक्वेस्ट सेंसर जो है दूसरी तरफ रखा है उन्होंने, बट उसके अलावा जो है साइड से ज़्यादा सिमिलरिटी लगती है। कहने को ये नया जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, बट साइड से मोर ऑर लेस सेम लगती है गाड़ी। वो डिज़ाइन उन्होंने बोला कि हमें DNA बरकरार रखना था, लेकिन अगर वो चेंज आपको देखना है तो देखो, ये बोनेट जिस तरीके से बंद होता है वो चेंज है, ये शट लाइन जो है वो ऑब्वियसली चेंज हुई है, यहाँ आके बम्पर को थोड़ा सा बाहर निकाला गया, इस वजह से थोड़ी सी लंबाई बढ़ी है, बट गाड़ी की हाइट कुछ 10 mm कम हुई है, व्हील बेस में कोई चेंज नहीं है, और गाड़ी की चौड़ाई में कोई चेंज नहीं है। तो मोर ऑर लेस प्लेटफॉर्म सेम है, हाँ उसमें कुछ काम किया गया है तभी उसका वजन जो है वो बढ़ा है। डिफॉगर वाइपर पीछे आते हैं, ये लोअर वेरिएंट में नहीं आते हैं, जो कि एक्चुअली देना चाहिए वाइपर वॉशर, ये एक्चुअली थोड़ा सा मिस है, बट काफ़ी सारे मैन्युफैक्चर नहीं देते हैं। टाटा जो सेफ्टी पे इतना हल्ला करता है, वो भी अपने कई गाड़ियों के मिड वेरिएंट में जो है ये इतने इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर को हटा देता है। एनीवे, यहाँ पे आपके पास कैमरा है, 4 पार्किंग सेंसर है, बूट खोल के दिखा देता हूँ मैं राइट अवे। बूट स्पेस आई थिंक 3 liter समथिंग कम हुआ है, बट ऐसा दिख नहीं रहा है, दिखने में सेम सेम सा लग रहा है, इनफैक्ट शायद ये थोड़ा सा नीचे गया हुआ लग रहा है, तो सामान रखने में आसानी होगी वैसा सा फील हो रहा है। यहाँ पे छोटा स्पेयर व्हील है, फुल साइज़ नहीं मिलता है, ये आई थिंक 165/80/14 ये टायर जो है आपको लोअर ट्रिम में मिलेगा, LXi जो है उसमें, और यहाँ पे आपके उसमें सीट जो है 60/40 है, पीछे दिख पा रहा है आपको, लाइट लगी हुई है, यहाँ पे आपके उसमें हुक है, और कुछ ऐसा बताने लायक पीछे चीज़ है नहीं, लाइट जो है थोड़ी सी सुंदर लग रही है एक्चुअली। अंदर चलते हैं, बाकी चीज़ें अंदर ही है, अंदर बात करते हैं क्या चीज़ें कैसी लग रही है। बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं अंदर एक्चुअली। देखो वैसे तो बड़ी बात अगर देखो ना, तो मारुति ने ऐसा बहुत भयंकर कुछ चेंज आउटराइट तो नहीं लाया है, सॉरी दिखने में डिज़ाइन में, बट अंदर की तरफ फीचर्स ऑलमोस्ट सब बदले, मतलब पैनल्स वैनल बाहर भी सारे बदले होंगे, बट देखते हैं यहाँ पे क्या है। लाइट जला लेता हूँ मैं, थोड़ा सा बेटर दिखेगा। यहाँ पे जो है आपके पास में स्क्रीन जो है उस पे आएंगे, जो कि इसमें थोड़े से ये एलिमेंट्स चेंज किए गए हैं, एनालॉग बीच वाली जो टॉप एंड है उसमें बीच वाली आपको ऐसी मिलेगी, जिसमें अगेन आपने पहली बार आई थिंक ये बलेनो या एस्क्रॉस में देखी थी, क्या हुआ भाई चेंज क्यों नहीं हो रही? ओ मारुति और उनके फैसिनेशन, इन्होंने आज तक ये चेंज नहीं किया यार, ये डंडे अभी भी आपके पास में आते हैं। ब्रेक एक्सेलरेशन फ्यूल इकोनॉमी और उसके बाद में
इकोनॉमी के अलग अलग बताने के तरीके, एडल, ये टाइम, यहाँ पे आपके पास में जी सेंसर जो है वो दिया गया है, पावर टॉक जो है कुछ इस तरीके से दिखाएगा, ये सब चीज़ें आपके पास में यहाँ दी गई है। इधर आपके पास स्पीडोमीटर है इधर, और यहाँ पे आपके पास में है टैकोमीटर। नोटिस करो 6000 RPM पर रेडलाइन हो रहा है, इसके बारे में ड्राइव में बात करेंगे कि चलाने में उतना मस्त फ्रेंडली फ्रेंडली फील हो रहा है, नहीं हो रहा है, एकदम रिफाइंड वगैरह। यहाँ पे आपके पास में फ्यूल जो है वो दिखा रहा है, और यहाँ पे आपके पास इंजन टेम्परेचर वगैरह दिखाएगा। अभी भी ये चीज़ें नहीं बदली है मारुति, प्लीज़ ये चेंज कर देते यार। एनीवे, उसके बाद में दरवाज़ा खोलता हूँ मैं। यहाँ पे आपके पास में स्टार्ट स्टॉप है, ये आपके पास में ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह बंद करना है तो वो, बाय द वे लोअर वेरिएंट जो है उसी से आपको 6 एयरबैग जो कि आप यहाँ देख पा रहे हो, एयरबैग है यहाँ पे भी लिखा हुआ एयरबैग, और ESC हिल होल्ड, ये सब चीज़ें स्टैंडर्ड कर दी गई, तो सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं जो कि एक बड़ी चीज़ है। लेकिन उसकी वजह से प्राइस जो है बढ़ गई। यहाँ पे बोनेट अगर आप खोलना हो, फ्यूल लेट अगर आप खोलनी हो, तो वो दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं। ये पार्ट शेयर किए हुए हैं मारुति के, काफ़ी सारी गाड़ियों से सिमिलर दिखते होंगे आपको यहाँ पे जो देख पा रहे हो। ये ओरियम कंट्रोल यहाँ पे, लॉक एंड लॉक यहाँ पे, वन टच अप डाउन जो है वो सिर्फ ड्राइवर को मिलता है, वन टच अब मिलता है जी हाँ, सिर्फ डाउन नहीं, और बाकी पावर विंडोज जो है वो सबको अवेलेबल है। उसके अलावा कोई चीज़ यहाँ नहीं है। स्टीयरिंग टिपिकल स्विफ्ट वाला रखा गया है जैसा हम देखते आए हैं। यहाँ पे आपके पास में ये जो कंट्रोल्स हैं, मोड वगैरह चेंज करने हैं, गाना आगे पीछे करना है तो वो, म्यूट करना है तो वो, यहाँ पे कॉल वगैरह से रिलेटेड बटन से सारे के सारे डिस्कनेक्ट करना है, या वॉइस कमांड जो है वो आपको एक्टिवेट करना है। इसमें स्मार्ट प्ले प्रो प्लस वाली स्क्रीन आती है जिसमें एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले वायरलेस काम करता है, जी हाँ वो वाली आती है। कोई भी ऐसा साउंड सिस्टम जो है वो ऐसा ब्रांडेड नहीं आता है, बट कैसा चलता है साउंड सिस्टम आवाज़ वो प्रॉपर रोड पे हम टेस्ट करेंगे, रोड नॉइज़ वगैरह के साथ में क्या कुछ फील हो रहा है। ऑब्वियसली अब इंजन बदल गया है तो मारुति के साथ में वो चीज़ रहेगी क्या, वो जो गजब तरीके की स्मूथनेस वाले इंजन रहते थे, तो वो भी देखना बाकी है। इसकी ड्राइव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, मैं काफ़ी जो है वो एक्साइटेड उसके लिए। यहाँ पे आपके पास में इधर और कोई चेंज नहीं है, डी कट स्टीयरिंग है, इधर ही आ जाते हैं एक्चुअली। सॉरी मैं ये भूल ही गया आपको बताना कि यहाँ पे जो है आपके पास में वाइपर्स कंट्रोल जो है वो आते हैं, कोई भी ऑटोमेटिक वाइपर वगैरह नहीं है, और यहाँ पे आपके पास में जो है ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है उसके कंट्रोल जरूर दिए जाते हैं। ये आपके पास में रखा गया है, अभी भी इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर नहीं आया टॉप एंड में, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस गाड़ी की प्राइस जो है ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास ऑलमोस्ट जा रही है, इतनी तो नहीं जा रही बट 9.5 लाख तो आ ही रही है ना MT की। इधर आपके पास हेलोजन जो है ये लाइट रखी गई है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वैनिटी मिरर जैसा कुछ नहीं दिया गया, टिकट होल्डर जो है दिया गया, और इसका ग्लास थोड़ा बड़ा आता है तो आप देख रहे हो आधी जगह जो है अभी भी छूटती जा रही है, ये वाली सिचुएशन यहाँ पे। इधर आपके पास में वैनिटी मिरर जो है वो डेफिनेटली दिया गया है, कोई सनरूफ जैसी चीज़ जो है वो नहीं है। मारुति जानता है कि भाई इसको ये भी दे दिया तो बलेनो और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं बचेगा। उसके बाद में स्क्रीन जो है वो मैंने वैसे तो आपको बता रखी है, मारुति की जो टिपिकल स्क्रीन आती है वही है, बट फिर भी एक बार की अगर आपको घूमना हो इसमें तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स है, उसके बाद में ये बंद करते हैं। शॉर्टकट्स में भी ऐसा है, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में सेटिंग्स में नहीं, कहाँ आना था, हाँ ये वाला ऐसे ऊपर नीचे आप रोटेट कर सकते हो, कुछ और इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, सेम गोज हियर, आप इसको चेंज करना चाहो तो आई थिंक ऐसे करके इधर उधर ले जाते ना इसको, तो ऐसे यहाँ ये स्वाइप करके ऐसे हो जाता है। उसके बाद में पेयर डिवाइसेस कनेक्ट, काफ़ी सॉर्टेड सी एकदम क्लीन सी है कि भैया ये चार फंक्शन है करने तो करो, नहीं तो आप जो है दूसरा कुछ सिस्टम देख सकते हो। वैसा है, वैसा कंफ्यूजिंग टाइप नहीं है, बट कनेक्टेड फीचर्स वगैरह सब आते हैं कि आप देख पा रहे हो वाईफाई का आइकन बन नहीं पा रहा है, इसको कुछ कर सकते हो। बाय द वे ये देखो आप, ये देख पा रहे हो वायरलेस चार्जिंग आइकन, जी हाँ वायरलेस चार्जिंग जो है वो यहाँ नीचे देखो आप ऐड करी गई है। एक USB है जिससे आप एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले कनेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पे एक आपके पास में 12 वोल्ट का सॉकेट है, नॉट जस्ट दैट, ये आपको किसी गाड़ी की याद दिला रहा होगा, स्विफ्ट के अलग से कंट्रोल्स जो आते थे वो अब नहीं है, यहाँ पे इस तरीके के कंट्रोल आपके होते हैं। AC के सारे शॉर्टकट्स जो है वो रखे गए हैं, ऑटोमेटिक AC टॉप एंड में आएगा। इधर आपके पास में कप होल्डर्स है, 5-speed गियरबॉक्स जो है वही है, कोई भी 6-speed या ऐसा कुछ चीज़ नहीं आई है, पहले 5-speed आता था, 5-speed रखा गया है, बट ऑब्वियसली गियरबॉक्स जो है वो भी चेंज किया होगा क्योंकि इंजन चेंज हुआ है। ये वाला एरिया मोर लेस सिमिलर फील होता है, यहाँ पे आपके पास में चेंज है, ये पीछे जाके मैं दिखाऊंगा वैसे तो, बट आप समझ गए होंगे क्या है। यहाँ पे आपके पास में ग्लोव बॉक्स है जो कि पहले जैसा ही दिखता है, ना ही कोई कूलिंग फंक्शन है उसमें, ना ही कोई लाइट वगैरह जो है वो दी गई है। इसके अलावा सीट्स जो है उसमें चेंज है, बट टिपिकल ऑफ मारुति जैसा हमने देखा है उनके साथ में फैब्रिक और अच्छी खासी कुशन वाली सीट जो है वो रखी गई है। कई लोगों ने हल्का फुल्का कंप्लेन किया है कि ओवर द टाइम इनकी सीट जो है यहाँ से ऐसा थोड़ा सा ऐसे हो जाती है, आई होप वो चीज़ जो है वो नहीं सुधारी गई है एक्चुअली, क्योंकि सेम ही सीट लग रही है, बट आई डोंट नो ये अगर इसकी कुछ क्वालिटी चेंज कर दी हो तो वो तो जो लोग खरीदेंगे वही बता पाएंगे कि भैया इतने सालों बाद में इसमें कुछ फर्क आया नहीं है, बट सीट्स हाँ वही फैब्रिक वाले टाइप की रखी गई है, मुझे एक्चुअली फैब्रिक वाली चीज़ पसंद है। बाय द वे फैब्रिक से याद आया, यहाँ पे भी ये जो है फैब्रिक का पार्ट यहाँ रखा गया है कपड़े वाला, तो ये चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे बहुत अलग से कुछ हाईलाइट करनी हो। मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके आपको पीछे जाके बताता हूँ कि गाड़ी में और क्या क्या चीज़ें कैसी है। आई थिंक हाँ पीछे जो है लास्ट डोर पर मैं जाता हूँ, और यहाँ पे उसके बाद में अगर मैं देखूँ तो कितना स्पेस है,
वेल मैगजीन होल्डर वगैरह हटा दिया गया, क्योंकि अब मारुति को भी रियलाइज हो गया कि मैगजीन कोई नहीं पढ़ रहा है देश में। मैगजीन होल्डर जो हटा दिया गया, स्पेस यहाँ ठीक है, एक्चुअली पाँव के हिसाब से ठीक जगह है, ऊपर भी ठीक जगह है, 6 फुट का आदमी बैठ तो सकता है बट उसका फिर सिर पहुंचने लग जाएगा, ये वाला चीज़ है। अगर आप देखो यहाँ पे तो सेफ्टी फीचर्स जो स्टैंडर्ड किए हैं उसमें 3 पॉइंटर सीट बेल्ट हुई है, लेकिन वो मारुति ने अपना बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला जो सिस्टम लगा रखा है ना कि आप सीट बेल्ट पीछे कोई नहीं पहन रहा है और पीछे नहीं भी बैठा है तो भी पी 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 करेगा ही, वो उन्होंने वैसे किया है जो कि आपने कुछ और गाड़ियों में भी देखा होगा। उसके बाद में ये बैटरी सरकार का नॉर्म जो है बीच में आया था, और वो जो ग्लोबल एनकैप में रेटिंग्स मिलने वाले चक्कर के लिए करना पड़ता है कि रिमाइंडर वैसे डालने पड़ते हैं। एक्चुअल तरीका तो ये होता है, महंगा तरीका तो, कि वेट सेंसर डालो, कोई बैठा है और सीट बेल्ट नहीं लगाया तो बजेगा, अदरवाइज नहीं बजेगा टाइप्स। बट एनीवे यहाँ पे आपके पास एड्रेस है, कोई भी बीच में आर्म रेस्ट वगैरह नहीं दिया गया जो कि एक्चुअली दिया जाना चाहिए था, ये थोड़ा सा मिस है। ये एक्चुअली लोअर वेरियंट में दिया जाता है, लोग एक्चुअली इसकी वैल्यू करते हैं। 60-40 मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हटाओगे तो हो जाएगा, बाकी और कुछ चीज़ यहाँ पे है नहीं। सीट का ओवरऑल थाई सपोर्ट डिसेंट है, इतना बहुत ज़्यादा भी नहीं है बट डिसेंट थाई सपोर्ट है। यहाँ पे आपके पास में एसी वेंट मिल रहा है, जी हाँ, मतलब जिसमें से हवा जो है सामने से अभी छा दी जाएगी, कोई अलग से कंट्रोल नहीं है उसका, बट यहाँ पे आपके पास में टाइप सी है, यहाँ पे आपके पास में है अवेलेबल टाइप ए। इस बार ड्राइव पे मैं चेक करूँगा कि इसकी इसकी पावर आउटपुट क्या है, मतलब फास्ट करता है नहीं करता, कि उसे टाइप सी नाम का दे दिया। बाय द वे मैगजीन होल्डर यहाँ दिया गया है, यहाँ नहीं दिया है, तो इट इज़ इंटरेस्टिंग। चलो ये चीज़ें हैं कुछ, और तो क्या है। अगर आपको जानना हो पीछे की तरफ तो कोई भी लाइट वगैरह नहीं दी गई है, जो कि थोड़ी सी एक कटौती है। यहाँ पे आपके पास में ग्रैब हैंडल दिया गया है, और यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल है, लाइट वगैरह कहीं पे भी नहीं है। इसमें भी जो है कोई इल्यूमिनेशन वगैरह या ऐसा कुछ अलग सी मार्किंग नहीं है, तो रात को हो सकता है कि इस एरिया में देखने वेखने में थोड़ी सी तकलीफ जो है वो आपको हो सकती है, क्योंकि एकमात्र लाइट है जो कि हेलोजन है और वो वहाँ दे रखी है, और वो भी उतनी पावरफुल लग नहीं रही है। बाय द वे अच्छी चीज़ ये हुई है कि ये हैंडल यहाँ आया करते थे, यहाँ आ गए वापस। भाई मारुति को किसी ने फीडबैक दिया क्या, कह रहे हैं सर ये यहाँ मत दिया करो यार, बहुत ही ऑड लगता है। बाय द वे ये बीट से शुरू हुए थे आई थिंक, और बीच में अब टाटा पंच में भी आने लग गए यहाँ पे, बट हाँ मारुति ने जो है उस पर यहाँ शिफ्ट कर दिया। देखो ऑनेस्टली बताऊँ, बहुत बड़ा अपडेट है कंसिडरिंग इंजन और काफ़ी सारी चीज़ चेंज की है, लगता नहीं है एक बार की कितना बड़ा अपडेट है। चला के अच्छे से देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें काम की है, क्या चीज़ें अच्छी है, क्या चीज़ें अच्छी नहीं है कस्टमर के हिसाब से। बट कस्टमर को ही एक बात मैं कहना चाहता हूँ, फटाफट ब्रेनों की जो क्लोजनेस बताई है उस पर दिमाग लगाओ अगर आपको इन्हीं टाइम में लेनी है तो, क्योंकि अदरवाइज उसमें भी सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड होंगे, उसकी भी प्राइस वाइज जो है वो बढ़ जाएगी, फिर उसमें भी थोड़े टाइम बाद में डेफिनेटली इंजन जो है वो चेंज होगा। वो इंजन स्मूद है उसकी मेरी गारंटी है, ये वाला मैं आपको चला के बता दूंगा कुछ दिनों में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, बताएं लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ओके तो ये थी जी स्विफ्ट, हमने देखी है न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट, ये भी स्विफ्ट आपने देख ली। अब जो पाकिस्तान का नया मॉडल आएगा स्टिकर कलर चेंज हो के, तो वो भी देख लीजिएगा, सिर्फ कलर चेंज होगा, कलर चेंज होगा, कलर भी मोस्टली वही रहता है। अब ये नहीं आएगा, अब देखोगे इसके नीचे रेड है, ऊपर टॉप ब्लैक है इसका, और इसकी बैक लाइट्स आप देखोगे कितनी खूबसूरती के साथ उनको ब्लैक शेप मतलब कलर दिया गया था, और फ्रंट ग्रिल आप देखो कितनी बढ़िया थी हर चीज जो है। और लेकिन इधर क्या है, इधर आपको वही वाइट नहीं, वाइट तो चलो रेड भी मिलेगी, लेकिन ये टॉप ब्लैक नहीं होगा आपका, सारी रेड होगी, ऊपर से भी रेड होगी। उनकी जो कलर वाली होती है उनकी रीसेल वैल्यू नहीं होती, मतलब तो आप ज्यादा जो चलती है वो ब्लैक और वाइट। यार एक चीज है कि पाकिस्तान में आप देखोगे गाड़ी को लेकर मॉडिफाई करते हो ना, कि आप कलर चेंज कर लेते हो, ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हो, तो इंडिया में उन्होंने उस चीज का ख्याल रखते हुए ऑलरेडी मॉडिफिकेशन सारी की हुई है, गाड़ी मॉडिफाई लग ऐसे लग, ये गाड़ी आप इधर लाके खड़ी कर दो तो हर बंदा आगे पूछेगा यार मॉडिफाई कहाँ से करवाई है, ऐसे ही कंपनी से लाओ इधर खड़ी कर दो, हर कोई आगे पूछेगा यार ये किधर से मॉडिफाई करवाई है गाड़ी, कलर इतना अच्छा है आपकी लाइट्स का, इतना मतलब जबरदस्त चीज, तो वो मतलब इधर ये चीजें काफी है, मॉडिफाई कर देती है मतलब कंपनी, उधर स्टैंडर्ड है यार, उधर लोग चीज अगर स्टैंडर्ड से लो है ना तो वो लोग नहीं बाय करेंगे इंडिया में। उसकी रीजन क्या है कि इंडिया में कंपटीशन इतना हाई है, आपको अल्टरनेट बहुत सारी गाड़ियां मिल जाती है और अच्छी प्राइसेस में मिल जाती है, तो फिर आप उधर उधर के कॉम्पिटिशन में आपको घुसने के लिए आपको ये है कि आपने अच्छे से अच्छी चीज निकालनी है। हमारे इधर क्या है, हमारे इधर तो भाई जो भी होता है वो आम लेने में, हाँ जी आई अपन नया मॉडल, नया मॉडल आ गया ले लो भाई, नया मॉडल, और नए मॉडल में है क्या भाई कुछ चेंज है कुछ उसमें किया है तो बताओ। बाकी ये है कि मतलब अच्छी थी मारुति सुजुकी वालों ने मतलब चेंज किया है कुछ जो है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बाकी कुछ पिछले मॉडल जैसे ही है लेकिन काफ़ी कुछ चेंज किया और माइलेज काफ़ी अच्छी है इसकी। तो चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए बहुत सारा ख्याल, किसी के पास स्विफ्ट चला रहा है कोई तो कमेंट जरूर करें।